बहुत ही अच्छा टॉपिक ली चैटेलिए प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो पहले तो ये कहता क्या है और कब कहता है? हर आदमी अपना स्टेटमेंट हर समय नहीं लागू करता, ये सिर्फ तभी लगेगा जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो चुका है। तो पहली लाइन ये रहती है, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। चेंज इन एनी पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशंस, टेम्परेचर एक्सेस्ट्रा, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन दोज डायरेक्शंस वेयर चेंजेस गोज टू मिनिमाइज। ये किसने कहा? ली चैटेलिए ने। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में कहूंगा और वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन पहले इसको और अच्छे से समझा जाए। ली चैटेलिए कहता है कि पहले इक्विलिब्रियम आने का इंतजार करूं, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो कोई भी चेंजेस कर दो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कोई भी एक पैरामीटर कर दो या एक से ज्यादा पैरामीटर भी कर दो, तो इक्विलिब्रियम एक बार बिगड़ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड टेम्परेचर प्रेशर के पैरामीटर, और इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट होगा, यानी नया इक्विलिब्रियम बनेगा, नई कंसंट्रेशंस आएंगी, नई प्रेशर आएंगे, वो पहले के कंपेयर में मिनिमाइज होने की कोशिश करेंगे। आपने डबल कर दिया प्रेशर, तो प्रेशर एक बार डबल करने पर वो कम होने की कोशिश करेगा, या हाफ कर दिया तो वो बढ़कर वापस पहले वाले के बराबर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस पूरे चेंजेज में ऐसी क्या चीजें जो सेम रहेगी? वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप अच्छे से जानते हैं स्टेट का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब उससे रिलेटेड पैरामीटर, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विद सुइटेबल पावर। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब इसको मैं मेरी लैंग्वेज में कैसे समझाता हूं, ये तो ली चैटेलिए ने बताया। तो बाय एसएल थ्योरी, सुनील लखोटिया थ्योरी, इसी को इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अगर इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंजेस करते हो तो वो मिनिमाइज हो रहा है, बिल्कुल वो की वही लैंग्वेज है, या इसको अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं तो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई चीज आपने बढ़ा दी, डबल कर दी, तो वो बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितना आपने बढ़ाया है। अब आप अजीब सा वर्ड आएगा, मतलब आपने प्रेशर, सपोज आपके पास पी था, आपने 2P कर दिया, बढ़ाया है, कितना करा आपने? 2P, तो आपने बढ़ाया है तो बढ़ेगा, लेकिन 2P नहीं जाके वो कितना आ जाएगा? 3P/2, कुछ इस तरह से बढ़ के रह जाएगा। यानी आपने इंक्रीमेंट डबल करा है, लेकिन इंक्रीमेंट 10% या 20% का आके रह जाएगा। तो ये मेरी लैंग्वेज है, यानी अगर आप कोई चीज बढ़ाते हो तो वो वास्तव में बढ़ती है, नो डाउट, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आपने स्प्रिंग को खींचा एक लिमिट इक्विलिब्रियम से, आप सोचोगे थ्योरेटिकली कि स्प्रिंग उसी जगह आ जाएगी, हो सकता है फिजिक्स में आ जाए, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर उसी जगह नहीं आएगी, वो बढ़ के वापिस कम होगी। तो हर चीज आप खींचते हो तो वो खींचती है और वापिस पहले के कंपेयर में ज्यादा हो जाती है, बस वैसे समझो। ये चीज है, मैंने इसको खींचा, डबल कर दिया, छोड़ते ही नीचे आएगी, लेकिन वो इनिशियल स्टेट पे तो नहीं आएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस जगह। तो क्या कहेंगे इसको अपनी लैंग्वेज में, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे समझाएंगे? तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो चेंजेस होंगे,
लेकिन उतने नहीं होंगे जितने आप कर रहे हो। तो लिख लीजिए, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट इफ वी वॉन्ट टू चेंज ऑफ एनी पैरामीटर देन चेंजेस अकर बट नॉट सेम एज वी आप यहां लिख सकते हो वी डिड या डन उतना नहीं जितना हमने किया वी हैव डन। ठीक है, तो यहां आपका पॉइंट, एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है जो इस बात को समझाने की हो रहा है कि ये मिनिमाइज हो रहे हैं। बात एक ही है, लैंग्वेज वही है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, कम होने की कोशिश करेगा, कम कर दी बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिसके इफेक्ट आपको अलग ही तरह से देखने को मिलते हैं और आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ऐसा चेंजेस हो क्यों रहा है इसको भी हमें समझने की कोशिश करनी थी। तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, केस ए फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। एक बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए फिर क्यों हो रहा है उसके पीछे लॉजिक समझेंगे हम। कोई भी रिएक्शन है उसमें आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। एग्जांपल समझ लीजिए, मेरे पास टू फ्लोर का मकान है, ठीक है ना, दो मंजिल का मकान है। मैंने मकान बड़ा कर दिया, 10 मंजिल का बना दिया, ठीक है। तो पता है क्या होगा, बड़ा मकान है, मेरे मिलने वाले जब भी कोटा आएंगे वो मेरे यहाँ रहेंगे, सही है ना, कि खाली जगह आ जाओ उनके यहाँ रहेंगे, तो ज्यादा आदमी रहेंगे। तो इसी तरह अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपने वॉल्यूम अचानक बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उस और शिफ्ट हो जाएगा जिधर ज्यादा मॉलिक्यूल है। इसके विपरीत अगर मेरे पास 10 मंजिल का मकान है और मैंने 6 मंजिल तोड़ दी तो क्या होगा, अगली बार के कोई भी नहीं आएगा मेरे पास, कोशिश करेगा कम आए, यार पता नहीं अंदर जाए और कह दे आज ये टूट रहा है ये टूट रहा है। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है, अगर आपने रिएक्शन में वॉल्यूम कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम उस और शिफ्ट हो जाएगा जहां कम मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का पता कैसे चलेगा, आराम से गिन लो किस तरफ गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है या किस तरफ गैसियस मॉलिक्यूल कम है। हम सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करेंगे। तो अब इसको लिखना कैसे वो हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन दोज डायरेक्शंस वेयर गैसियस मॉलिक्यूल आर मोर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर डिक्रीज कर दिया तो डिक्रीज भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ट्वाइस ए प्लस 3b 4c प्लस डी है, गैस सॉलिड सॉलिड ये यहां 5 किया जाए यहां डी रखा जाए, सॉलिड गैस,
तो बताइए, आप मुझे बताइए इस तरफ कितने मॉलिक्यूल है, 6, और इस तरफ कितने हैं, 5। लिक और इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल स्टेट है, तो क्या हमारा ये कहना सही है कि इस तरफ 6 है, इस तरफ 5 है? गलत। हमें सिर्फ गैसियस देखने हैं, गैसियस देखने हैं, तो ये सॉलिड को हमें पहले काटना पड़ेगा। अब बताइए इस तरफ कितने हैं, 1, और इस तरफ कितने हैं, 2। मॉलिक्यूल किस तरफ ज्यादा है, गैसेस मॉलिक्यूल, टोटल नहीं, टोटल तो इस तरफ ज्यादा होंगे 6, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल इस तरफ ज्यादा है। तो जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। इससे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पक्का? इससे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, डिक्रीज या इंक्रीज? सब बेवकूफ हो, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पे डिपेंड ही नहीं करता सिवाय टेम्परेचर को। समझ में आ रहा है? पक्का? तो वॉल्यूम इस तरफ से जाएगा। तो अभी तो रिजल्ट बाकी है, तो इनिशियल रिजल्ट तो ये हो गया आपके पास, इनिशियल रिजल्ट। और भी कुछ और रिजल्ट बनेंगे, सेकेंडरी रिजल्ट कौन से होंगे? सेकेंडरी रिजल्ट आप ये बताओ, मोल ऑफ ए बढ़ेंगे या कम होंगे? मोल ऑफ ए जब इस तरफ जाएगा तो मोल क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। मोल ऑफ बी, सॉरी, बी, मोल बी के, वो भी इंक्रीज होंगे। सॉलिड है तो क्या हुआ, मोल ऑफ सी डिक्रीज होंगे, और मोल ऑफ डी क्या होगा, कम होगा। बोलो क्लियर है? अब दूसरी तरफ कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशंस ऑफ ए, मोल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या रहेगा? कंसंट्रेशंस कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल कम हो रहे हैं, वॉल्यूम, मोल बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, वॉल्यूम, क्योंकि मेन पैरामीटर तो वही था, वॉल्यूम से ही तो सब कुछ हुआ है, तो वॉल्यूम डिसाइड करेगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज, डिक्रीज होगी है। सब सोचेंगे मोल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नहीं, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है। और बताइए बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी एक सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट क्या रहती है, कांस्टेंट, स्लाइटली डिक्रीजेस और कांस्टेंट। सी की कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, मोल भी कम हो रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डबल डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ डी सॉलिड है, अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा यहां पर, कांस्टेंट। तो बच्चों से कहां गलती होती है, एक ही कंसंट्रेशन बताने में। हाँ बेटा, सी सॉलिड है तो यहां कांस्टेंट हो जाएगा, और डी गैस है। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये आपके पास वॉल्यूम का चेंजेज हुआ। कुछ और एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे ऐसा क्या हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है वो भी। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 3 है, 4B में चेंज हो रहा है, ये भी गैस है, ये भी गैस है,
और एक सी भी बन रहा है, ये भी गैस है, और अचानक आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ते ही किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वॉल्यूम बढ़ते ही कंटेनर का फॉरवर्ड, क्योंकि इस तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल है, इस तरफ तो तीन है, इस तरफ पांच है, फॉरवर्ड जाएगा। तो कौन जाएगा? इक्विलिब्रियम जाएगा। कैसे जाएगा? ए के ज्यादा मोल अब बी और सी बनाएंगे। आप कहेंगे सर रिवर्सिबल है, मैं कह रहा हूं हाँ, तो रिवर्सिबल में तो दोनों तरफ जाता है। मैं नेट रिएक्शन की बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट रिएक्शन। इससे इसको 10 मिल रहे हैं, तो इससे इससे 20 मिल रहे हैं, तो नेट किस तरफ गया? इस तरफ। तो नेट डायरेक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। इससे क्या रिजल्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इससे क्या रहेगा? एन ए के मोल कम होंगे, एन बी के मोल बढ़ेंगे, एन सी के मोल बढ़ेंगे। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कम होगी, कम होगी कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन में क्या आता है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम डोमिनेट होता है, वही डिसाइड करेगा। और सी की कंसंट्रेशन, तो सभी की कंसंट्रेशन कम होगी, कोई डाउट नहीं है। इस तरह से हम डिसाइड कर पा रहे हैं वॉल्यूम का इफेक्ट। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहा, लेकिन आप फिर भी ये कहेंगे सर आपने तो डेफिनेशन अलग बोली थी, समझा अलग रहे। मैंने कहा कैसे? आपने कहा था चेंजेस गोज टू मिनिमाइज, और बोल ये रहे कि भाई एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेके आपने तो अलग तरीके से हमें समझा दिया। आप उसको वैसे समझाओ जैसे ली शेटेलिए समझाना चाहता था। तो ली शेटेलिए भी बिल्कुल यही कहता है, एक्सप्लेनेशंस। मान लीजिए एक इक्विलिब्रियम यहां पर इस तरफ से था, यहां कोई भी रिएक्शन थी, ए टू बी में चेंज हो रहा था। ली शेटेलिए कहता है कि अचानक आपने वॉल्यूम बढ़ा के डबल कर दिया, तो एक सेकंड के लिए तो क्या होगा? जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया, यहां तो गैस मॉलिक्यूल थे, जैसे वॉल्यूम बढ़ाया तो ऊपर की तरफ क्या है? क्रिएट हो गया, मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट दे रहा है? वॉल्यूम वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वो वैक्यूम डिक्रीज होना चाहिए। कैसे डिक्रीज होगा? कैसे डिक्रीज होगा? वो ऐसे डिक्रीज होगा कि वहां पर मॉलिक्यूल आ जाए, नए मॉलिक्यूल बने। नए मॉलिक्यूल कब बनेंगे? जब रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाए। समझ में आ रहा है? तो फॉरवर्ड में जाके ही वो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कि पहले यही यहां था, अब दोनों लगभग इस तरह से थे, अब ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए जिसे वो वॉल्यूम डिक्रीज हो, वैक्यूम डिक्रीज हो, तो उसके लिए आपको क्या कर पाओगे? आप रिएक्शन को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे जिस तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तभी जाके वो वैक्यूम डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? ली शेटेलिए ने ऐसे समझा दिया, हम दोनों ने अलग तरीके से समझाया, लेकिन हमारी दोनों के पीछे जो कंसेप्ट था वो सिमिलर था, कैसे भी करके समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ने एक और एग्जांपल ले लिया, बच्चे तो और ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने कहा साहब ये कोई रिएक्शन है, 3A कन्वर्ट 2B प्लस सी, अब बताइए आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया क्या होगा? मैंने कहा इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो एक बार अगर वैक्यूम बढ़ भी गया ना, तो डिक्रीज होने के लिए, वो वैक्यूम को डिक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट होना चाहेगा जहां ज्यादा मॉलिक्यूल बन पाए, 3 से 4 या 4 से 5 या 2 से 5 ऐसे बनने की कोशिश करें। लेकिन यहां तो 3 से 3 बन रहे हैं, तो यहां कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहां पता ही नहीं चलेगा। तो बताइए इस जगह क्या होगा? एन ए कॉन्स्टेंट, एन बी कॉन्स्टेंट, एन सी ए की कंसंट्रेशन, क्योंकि मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है,
ठीक है, लिखें इसको। हमने अभी इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम करा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए जब भी अगर आपके पास कोई कंटेनर है, पहले कंटेनर के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये आपके पास कंटेनर है, आप मान के चलिए अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम उसी रेशियो में डिक्रीज होना चाहिए, इनवर्सली है, तो ये कंसेप्ट लग पाएगा नहीं तो नहीं लग पाएगा। अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और जनरली हम इस तरह का सिस्टम लेते हैं ना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो प्रेशर चेंज तभी होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा या मोल चेंज होंगे, ठीक है ना। हम मोल चेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब प्रेशर जैसे ही दबाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे वॉल्यूम कम हुआ हमारा ली शेटेलिए प्रिंसिपल तैयार हो जाएगा लगने के लिए। तो क्या स्टेटमेंट रहेगा, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट इफ प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस तो आप सीधा दिमाग लगाएंगे देन वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन दोज डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल एक केस दी गई है, इक्वेशन दी है 3A 2B + 3C, सब गैसेस है, यहां पर 5, चलो छोड़ो सब गैसेस ही है, ठीक है, गैसेस रिएक्शन है और आपने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाते ही सबसे पहला काम क्या करोगे आप, वॉल्यूम कम, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, वॉल्यूम कम होते ही आपका इक्विलिब्रियम उस और शिफ्ट होगा जहां कम मॉलिक्यूल है, बैकवर्ड, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट गैसेस में, कोई सॉलिड है नहीं जिसे काट सके, बैकवर्ड आएगा। तो बताइए इससे ए के मोल क्या होंगे, बढ़ेंगे, बी के मोल क्या होंगे, कम होंगे, और सी के मोल क्या होंगे, वो भी कम होंगे। अब आप इसको समझाएंगे तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहां पर कम हो रहा है, ध्यान से देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, यहां पर बढ़ेगी, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा है और वही डोमिनेट कर रहा है तो कंसंट्रेशन सबकी क्या होगी, यहां पर बढ़ेगी, सही है, लिखें इसको। तो अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हेडिंग डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कोई भी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है उसमें एकदम से इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अगर एक्सोथर्मिक होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, समझ में आ रहा है, और एंडोथर्मिक होगी तो एब्जॉर्ब होगी। माइनस क्यू एब्जॉर्ब को बता रहा है, प्लस क्यू रिलीज को बता रहा है, रिलीज ही इसको हम रिलीज हीट को बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। आप मुझे बस इतना सा बताइए कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो उस समय हीट प्रोड्यूस हो रही होगी या रिलीज हो रही होगी, इक्विलिब्रियम में आने के बाद ना तो प्रोड्यूस हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है पक्का। लेकिन
अगर इक्विलिब्रियम पे आ चुका है तो हम प्लस क्यों लिखते हैं? हम ये बताते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जब शुरुआत में इसके ए मोल थे, इसके बी मोल थे, रिएक्शन हुई तो इतनी अमाउंट में हीट लिबरेट होगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पे आके आप कोई डिकम्पोज, एसोसिएशन, डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर कोई हीट नहीं जाएगी। अब उस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम आ चुका है और आपने अचानक कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया? बाहर से हीट दे दी, तो क्या करेगा वो? वो क्या करेगा? वो बढ़ी हुई हीट को क्या करेगा, या बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। कम करने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा? जो रिएक्शंस फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, वो बैकवर्ड में क्या होगी? एंडोथर्मिक। तो वो इस जगह कहां ले जाने की कोशिश करेगा? कहां ले जाने की कोशिश करेगा? बैकवर्ड में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने पड़ेंगे यहां पर। फर्स्ट की पॉइंट, इफ रिएक्शंस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड देन इट विल बी एक्सोथर्मिक इन बैकवर्ड। आसान भाषा में इसको ऐसे देख लीजिए, दो केस ले लीजिए। फर्स्ट, अगर ए बी बना रहे हैं और हीट रिलीज हो रहा है, तो जब बी ए बनाएगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, माइनस साइन एब्जॉर्ब को बता रहा है। दूसरी तरफ, अगर ए बी बना रहा है और हीट रिलीज हो रही है, तो जब बी ए बनाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। यहां एब्जॉर्ब हो रही है तो यहां प्रोड्यूस होगी। केस स्टडी। दिमाग में बैठा के चलिए। तो अब आपके पास एक बहुत सिंपल सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर आप देख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? ये तो हमारा की पॉइंट हुआ। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, डेफिनेशन क्या है? एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेट इफ चेंज द टेम्परेचर देन रिएक्शन शिफ्ट ऑन दोज डायरेक्शन वेयर चेंजेस गोज टू मिनिमाइज। ये तो रहा बेसिक डेफिनेशंस, लेकिन इसको ही अलग डेफिनेशंस में आप ऐसे समझ लीजिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शंस, एंडो या एक्सो? एंडो, एंडो डायरेक्शन में, एंडो थर्मिक डायरेक्शन में, जिससे बड़ा हुआ टेम्परेचर आप ले सकें। और दूसरा केस, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जाएगी? एक्सोथर्मिक। बहुत इजी है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम है जिसमें ए मोल ऑफ ए एग्जाम्पल देख रहे हैं और बी मोल ऑफ बी में चेंज हो रहा और डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्यू अपने आप में नेगेटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक को बताता है, और यहां पर क्यू अपने आप में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, समझ में आ रहा है? यानी हीट क्या हो रही है? माइनस का मतलब एब्जॉर्ब इस जगह, और यहां डेल्टा एच प्लस का मतलब भी एब्जॉर्ब, समझ में आ रहा है? डेल्टा एच में प्लस का मतलब एब्जॉर्ब होता है, क्यू में प्लस का मतलब रिलीज होता है। आ रही है बात समझ में? तो ठीक है, जितना आ रहा है, बाकी आप थर्मोडायनामिक्स में इसी टॉपिक को दोबारा एज इट इज ही पढ़ेंगे। तो बताइए, ये रिएक्शन है और एग्जामिनर ने कह दिया केस
पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रिएक्शंस इफ ए पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजेस बी टेम्परेचर डिक्रीजेस। आपका आंसर क्या होगा ए के लिए? जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो किस डायरेक्शन में जाएगी, एंडो या एक्सो? बढ़ा रहे हो एंडो डायरेक्शन में, एंडो डायरेक्शन में जाएगी जहां पर बढ़ी हुई हीट एब्जॉर्ब हो सके फॉरवर्ड। बी ऑटोमेटिकली अब आप आंसर क्या दे दोगे, बैकवर्ड। जब टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शंस उस डायरेक्शन में जाएगी जहां हीट प्रोड्यूस हो, क्योंकि आप तो एब्जॉर्ब कर रहे हो तो प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस कहां होगी ये, बैकवर्ड में। कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडो होती है तो बैकवर्ड में एक्सो होती है। चमक गया। तो ये हमने पढ़ा, हर चीज आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। लिखो, देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट जब भी होता है तो इसका मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों से होता है, ठीक है। अब इसको हमें समझना है इसका इफेक्ट कैसे रहेगा। हम जब भी किसी रिएजेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या अमाउंट बढ़ाते हैं तो वो डिक्रीज होने की कोशिश करता है, खुद तो डिक्रीज होता ही है लेकिन उस रिएजेंट की कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज कर देता है जिसके साथ उसे रिएक्शन करनी है, समझ में आ रहा है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो जनरली हम क्या फ्लो करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, इसके अंदर की पॉइंट क्या बनेगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ए है और ये पी है और ये सी प्लस डी बना रहे हैं, यही बैलेंस है, सबका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। आपने अचानक ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बढ़ाकर डबल कर दी, ठीक है। तो अब रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। अगला इफेक्ट ये दिखेगा, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने से ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, लेकिन शुरुआत वाले से तो कम नहीं होगी, तो रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास, फाइनल रिजल्ट हमेशा इनिशियल पोजीशन से कंपेयर किया जाता है। तो बताइए ए की कंसंट्रेशन ओवरऑल क्या रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। मेरे पास 100 रुपए थे, बढ़ा के 200 कर दिए, कम करने की कोशिश कर रहा हूं, 150 पे आके समझौता हो गया, तो ओवरऑल फायदा हुआ है ना, 100 के 150 तो हुए। इसका जब कंपेयर करना होता है तो 100 से करना है या बढ़ाकर जो आपने 200 करे थे उससे करना है, 100 से करना है। तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। बी की क्या होगी, कम होगी। सी की क्या होगी, बढ़ेगी। और डी की क्या होगी, बढ़ेगी। सही है। तो रिजल्ट आपके पास हो रहा है, स्टेटमेंट क्या है यहां पर, इफ द कंसंट्रेशंस, लिखते जाए कंसंट्रेशंस ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इंक्रीजेस देन कंसंट्रेशंस ऑफ अदर रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। रिमेंबर दैट जो आपका स्पेसिफिक रिएजेंट है या स्पेसिफिक रिएक्टेंट जिसका आप लेके चल रहे हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस ओवरऑल इंक्रीजेस। ओवरऑल इंक्रीजेस।
इसको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्यू का मतलब इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ चुका है और अचानक आपने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो बताइए इफेक्ट क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेंगे। ये तो एक्शन है, अब रिएक्शन क्या होगा। एक्शन आपने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो फाइंड रिएक्शंस। तो आपके रिएक्शन क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ए क्या करेगा, आगे जाएगा। तो सबसे फाइंड रिएक्शंस, तो आंसर क्या रहेगा ये। और इससे पहले भी आप ये लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड में जाने लगेगी। ये पहला रिएक्शन आएगा, दूसरा रिएक्शन जिससे बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, डी की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। और अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि ए की ओवरऑल क्या रहेगी, बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ाना ही शुरू किया था आपने। तो ये तो आपका रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इसी में, अगर आपने सेम रिएक्शन के अंदर एक्शन आपने ये लिया, सी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो फाइंड करने को बोल रहा है रिएक्शन क्या होगा। एक्शन का रिएक्शन होता है, तो बताइए क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बैकवर्ड फर्स्ट, सेकंड क्या रहेगा, सी की कंसंट्रेशन बढ़ाइए, तो इससे डी को क्या होगा, नुकसान होगा, कम होगी, ए को क्या होगा, फायदा होगा, बी को क्या होगा, फायदा होगा, ओवरऑल ए को वापस क्या होगा, सी को क्या होगा, उसको भी फायदा होगा। सही है, लिखो इसको। हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया। हमने किसी भी रिएक्टेंट को छेड़ा तो उसका इफेक्ट फर्क पड़ता है, जो आपने अभी मुझसे समझ लिया, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट हो चुका है, प्रेशर का हो चुका है, वॉल्यूम का हो चुका है, कंसंट्रेशन का हो चुका है, समझ में आ रहा है। इन चारों फैक्टर को समझने के बाद हमारे पास आता है कैटलिस्ट और दूसरे फैक्टर। तो हेडिंग डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कैटलिस्ट अगर आप मिला रहे हैं तो इससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। तो बस एक लाइन लिख लीजिए, कैटलिस्ट डज नॉट शो, एनी रोल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। कोई रोल नहीं है उसका, जस्ट इट क्या करता है, जस्ट डिक्रीजेस टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक बात बताइए, हमारा तो इक्विलिब्रियम अभी पहले से ही आ चुका है, हमने तो इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट मिलाया है। तो जब इक्विलिब्रियम पहले ही आ चुका है, तो अब कैटलिस्ट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पे मिलाया ना, शुरुआत में मिलाते तो इक्विलिब्रियम जल्दी आता, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद मिलाया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट रेट फास्ट करता है, लेकिन जितनी फॉरवर्ड की करता है उतनी बैकवर्ड की कर रहा है। तो किस तरह से समझते हैं इसको, मैं समझा देता हूं। ए प्लस बी, सी प्लस डी, इसको समझ लीजिए, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट
कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मान लीजिए कि वक्त नहीं है, यहां से इस तरफ आया 100 का चेंजेज हो रहा है, इक्विलिब्रियम में इधर भी 100 का हो रहा है, कोई चेंजेज हुआ क्या? नेट नहीं। अगर कैटलिस्ट डाल देते, इक्विलिब्रियम अभी भी है, अगर कैटलिस्ट डाल देते आप इक्विलिब्रियम पे ही, और वही रिएक्शन होती, सब कुछ वही है विद कैटलिस्ट, तो पता है क्या होता? यहां से यहां जो चेंजेज होता है, एक इस तरफ हो रहा है, एक इस तरफ हो रहा है, मान लीजिए यहां से यहां जो चेंजेज पहले 100 का होता था, वो अब कितने का होगा? 200 का, लेकिन उतना ही आसानी से ये यहां पर भी 200 का कर देगा। तो नेट चेंजेस क्या दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं, बस ये है कि पहले मैं आपसे 100 रुपये देता था और वापस 100 रुपये ले लेता था, अब मैं आपको 200 रुपये देता हूँ, 200 रुपये ले लेता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी लेकिन नेट रिएक्शन जीरो होगी। तो कैटलिस्ट के पहले भी नेट रिएक्शन जीरो थी, कैटलिस्ट के बाद भी नेट रिएक्शन जीरो है, कैट अगर आप इक्विलिब्रियम पे मिला रहे हैं दोनों ही कंडीशन, तो ये फर्क पड़ रहा है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ लीजिए। हो गया, देखिए लीच एटेलिए में हमने प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम करा, एक और है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एडिशंस। देखो जब आप इनर्ट गैस मिलाते हो तो इनर्ट गैस से क्या होता है, टोटल मोल कंटेनर में इंक्रीज होंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा यहां पर? पहले एक्शन पढ़ लेते हैं, एक्शन क्या होगा इस जगह, जो एक्शन होगा लिखिए क्या होगा, ऑन एडिशंस ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट तो करेगी नहीं, इनर्ट गैस डायरेक्टली, कॉमा लगा के, डायरेक्टली इनर्ट गैस नॉट रिएक्ट, नॉट रिएक्ट, नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस बट टोटल मोल ऑफ गैस इन कंटेनर, इनक्रीजेस, ये आपके पास एक्शन हुआ। अब रिएक्शन क्या होगा? यहां रिएक्शन में दो बातें होगी, केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट का रखा जाए, इफ कंटेनर इज, कंटेनर इज रिजिड, रिजिड का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे सिलेंडर होता है ना, रिजिड है, कितना ही मिला दो झेल लेगा, टूटेगा नहीं, अपना वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा, इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कांस्टेंट है, तो कितनी गैस मिला दो इनर्ट गैस, इट मींस ऑल कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल सब्सटेंस, इट मींस कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल सब्सटेंस आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट या सेम भी बोल सकते हो, और सेम, और जब तक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, सो नो चेंज
एनी अदर प्रॉपर्टीज, एनी अदर प्रॉपर्टीज एंड नो चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम डायरेक्शंस, एंड नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इक्विलिब्रियम डायरेक्शंस, इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंजेज हुआ ही नहीं, कोई कंसंट्रेशन चेंज हुई नहीं। दूसरी तरफ केस टू, कंटेनर पिस्टन सिलेंडर है, सेकेंड केस कंटेनर इस पिस्टन सिलेंडर, यानी कुल मिला के वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट, और अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो जैसे ही इनर्ट गैस मिलाओगे आप, इनर्ट गैस मिला रहे हो आप, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नहीं कि सब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल रिएजेंट, जितने भी रिएजेंट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आर चेंज, चेंज हो जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। अब यहां दो बातें होगी, यहां पर भी आर चेंज, दो क्या तीन बातें हो सकती है, डेल्टा एन पॉजिटिव हो सकता है इस जगह, डेल्टा एन जीरो हो सकता है, और डेल्टा एन जी नेगेटिव हो सकता है। तो जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जहां ज्यादा मॉलिक्यूल हो, यानी फॉरवर्ड, डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम ज्यादा बन गया तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, डेल्टा एन जी नेगेटिव है यानी रिएक्टेंट में ज्यादा मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बैकवर्ड जाएगी, और जब डेल्टा एन जी जीरो है तो फिर यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। केस फर्स्ट में सिर्फ एक ही था, नो चेंज, भले डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो, यहां तीन केस बन रहे हैं जब कांस्टेंट प्रेशर पे मिला रहे हो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट जिधर ज्यादा मॉलिक्यूल है उस तरफ मूव करो, कोई चेंजेस, बढ़ तो रहा है वॉल्यूम लेकिन पता नहीं किस तरफ जाए, दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल है तो कोई चेंजेस नहीं वापस, और दिस इज दैट क्लियर। ये सारी कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए के लिए, मतलब हमने आज जो करा है पूरा ली चैटेलिए प्रिंसिपल, उसको अमोनिया सिस्टम के लिए देखते हैं कि क्या फर्क होगा। तो NH इस रिएक्शन के लिए, यानी N2 प्लस थ्राइस H2 फॉर्म्स ट्राइस NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया फॉर्मेशंस। इसमें मॉलिबेडनम आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, हैबर्स प्रोसेस में आप ये बना रहे हो अमोनिया फॉर्मेशंस, अमोनिया फॉर्मेशंस। कौन सी कंडीशंस होगी जिससे आपको अमोनिया ज्यादा मिल सके, तो यहां एक बार अमोनिया बना के तो देखो, N2 प्लस थ्राइस H2, ये इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल है, ट्वाइस NH3 प्लस Q, ये रिएक्शन है। तो मेरे पे मुझे कुछ बताइए, अमोनिया फॉर्म हो रही है तो मोल बढ़ेंगे या कम होंगे, कम हो रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव है। अब सबसे पहला आप क्या चाहोगे कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा हो, N2 के लिए क्वांटिटी क्या ज्यादा करोगे, कम या ज्यादा, हाई। तो सबसे पहला फेवर कंडीशन क्या होगी, N2 की कंसंट्रेशंस या H2 की कंसंट्रेशंस क्या रखोगे आप, बहुत ज्यादा,
जितनी ज्यादा होगा रखोगे उतना ही ज्यादा अमोनिया बनेगा। अगर आप इंडस्ट्री में बना रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। दूसरा दूसरा फैक्टर आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक है, आप चाहते हो फॉरवर्ड में आए, डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या रखोगे, कंटेनर टेम्परेचर डिक्रीज। तो जहां पर भी अमोनिया बन रही होगी वहां आप क्या करोगे, कूलिंग टावर लगाने पड़ेंगे। कूलिंग के लिए वाटर सप्लाई होनी चाहिए, वाटर के लिए ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी के लिए यानी आसपास कोई नदी या तालाब होना चाहिए अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। बोलो क्लियर है? एक और हमारे पास है और वो है, अगर आपने अमोनिया ही मिला दिया तो अमोनिया मिलाओ मत, इसको क्या करो डिक्रीज करो, निकालते रहो, बनती रहे निकालते रहो, कैसे निकालो वो बात की बात है लेकिन निकाल दो अभी। फेवर कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आपने कोई इनर्ट गैस मिलाई, इनर्ट गैस कोई भी मिलाई और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाई, एड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि क्योंकि यहां पर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ कंटेनर का, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो किसी भी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल। तो यहां अगर आपने ऐड कर दिया इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो उल्टा लॉस होगा आपको, क्योंकि जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे आप मिलाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। वॉल्यूम इस जगह कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये बैकवर्ड की तरफ जाएगी, तो यहाँ उल्टा लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का लॉस हो जाएगा उल्टा, सही है। तो ये सारे इफेक्ट आप देख रहे हो जो आपको समझ में आने चाहिए।